नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जनपद शिवस्ती में आज दिनांक 5 मार्च 2021 को पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशन में आगामी त्यौहार होली और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने और समाज को सुरक्षित भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए पुलिस लाइन परेड मैदान पर प्रातः 8 बजे से दंगा निरोधक उपकरणों और बलवा ड्रिल का अभ्यास पुलिस कर्मियों को कराया गया। करीब 2 घंटे चले बलवा ड्रिल प्रशिक्षण सत्र में सभी पुलिस कर्मियों को बलवा या दंगा होने के दौरान बलवाइयों पर पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को अलग अलग टीम बनाकर प्रदर्शित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बलवा ड्रिल के दौरान पाई गई खामियों पर विस्तृत रूप से सभी पुलिस कर्मियों से फीडबैक लेकर सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पुलिस लाइन में उपलब्ध सभी दंगा नियंत्रण उपकरणों और शास्त्रों के उपयोग और अनुरक्षण के संबंध में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मुख्य आरक्षी आरमोर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आज पुलिस लाइन में हमारे सभी SHO और पुलिस लाइन के जो कर्मचारी हैं और सभी अधिकारियों के साथ बलवा ड्रिल का रिहर्सल किया गया है। इसमें एंटी रायट उपकरणों का चलाना और उनका सही प्रयोग करना और उसका डेमो दिया गया और सभी को बताया गया, रिहर्सल कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव और त्रिस्तरीय चुनावों के मद्देनजर सभी को सेंसिटिव करना और सिखलाए गए तरीके और बलवा ड्रिल के तरीकों कारगर तरीके से पालन करना बताया गया।